We are on the verge of a war with Pakistan. एक आम इंसान को खास बना देना, अपनों को उनकी औकात दिखा देना, जिंदगी का सही मतलब समझाने का शुक्रिया। We are on the verge of a war with Pakistan. मैं तुम्हें एक ऐसी परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना चाहता हूं जिससे हिंदुस्तान का आने वाला कल बदल सकता है। I want you to serve your country. बैंक मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। प्लीज बूढ़ी अम्मी को मत भूल जाना। जंग जीती या हारी जाती है सिर्फ एक चीज के बेसिस पर, इंफॉर्मेशन। तुम्हें एक अंडरकवर मिशन पर भेजा जा रहा है जहां पर तुम्हें यह मानकर चलना होगा दैट यू ऑलवेज बीइंग वॉच्ड। जो भी हो मेरी अम्मी का हमेशा ख्याल रखा जाए। तुम एक हिंदुस्तानी एजेंट हो? नहीं, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस बार इन काफिरों के दिवाली में धमाके हम करेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? रोमियो अकबर वॉल्टर रॉ। रॉ पर फिल्में पहले भी बनी हैं तो ये इसका ट्रेलर मुझे ठीक लगा। जॉन अब्राहम का जॉनर ही कुछ ऐसा हो गया है। वो इससे पहले भी सत्यमेव जयते और परमाणु जैसी मूवी में आए हैं तो उनको इस एक्शन रोल में देखना तो शायद आदत सी लग रही है। बट ट्रेलर ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि रॉ पर फिल्में पहले भी बनी हैं तो उनका अगर कंपेयर इनसे किया जाए, इससे पहले राजी आई थी, बेहद खूबसूरत फिल्म थी और बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये तो देखना होगा कि फिल्म कैसी होगी। बाकी ट्रेलर ठीक है। मौनी रॉयस में उनको भी ठीक ठाक दिया गया है जगह ट्रेलर में। जॉन शायद तीन किरदार निभाएंगे। एक वो स्टार्टिंग में दिखते हैं कुछ अलग तरीके से उनका हुलिया होता है, फिर बाद में अलग तरीके का हुलिया होता है। तो वो सीक्वल देखना होगा कि वो कैसा उन्होंने किरदार निभाया है। और रॉपर फिल्म है तो अच्छी होगी। ट्रेलर मुझे ठीक लगा, बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। ट्रेलर एवरेज है। बॉलीवुड ने नब्ज पकड़ ली है पेट्रियोटिज्म वाली, देशभक्ति वाली, और उसी लाइन पे फिल्में के बाद एक आ रही हैं। इसको देखते हुए हमको राजी फिल्म की याद आ रही थी, उसमें भी आलिया भट्ट बॉर्डर क्रॉस करके जाती हैं स्पाई बन के। कुछ वैसी ही कहानी है, लेकिन उसका ट्रेलर देख के और उस वो फिल्म देख के रोमांच खूब सारा आया था। थोड़ा सा इसमें शंका है, लेकिन फिर भी एक एवरेज ट्रेलर कहा जाएगा। रॉ का ट्रेलर एकदम ऑसम लगा, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये ट्रेलर ऐसे समय में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो तमाम विवाद चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये मूवी भी काफ़ी हिट होने वाली है। इसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया है और जॉन इब्राहिम पैट्रियोटिक फिल्मों में मतलब दमदार एक्टिंग करते हैं, तो ये इस फिल्म को और ज़बरदस्त बना रहा है। और जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में है, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और देखने लायक है, तो मैं तो ज़रूर देखूँगा।
इतने सारे ट्रू इवेंट्स के बाद 1971 वाला ट्रू इवेंट आ रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और देखते हैं कि अभी इंडिया पाकिस्तान कितनी गर्मा गर्मी के बाद ये मूवी कितनी चलती है और कितना पेट्रियाटिक दिख के सामने आता है।